सब्सक्राइब कीजिए द बीएसए न्यूज के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको हमारी खबरें मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में भारत जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब रवि शास्त्री ने कोरोना वैक्सीनेशन कराने के बाद अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की तो किस तरह भारतीय क्रिकेटर फैंस ने उनकी पोस्ट को शेयर कर उनका मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर उनके लिए इस तरह के ट्वीट लिख रहे हैं कि आप भी उन्हें पढ़कर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 4 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इसी को लेकर भारतीय क्रिकेटर्स की पूरी तैयारी है और अब वो प्रैक्टिस में काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इंग्लैंड को एक बार फिर से हराकर शानदार जीत हासिल करें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब तक खेले गए तीनों टेस्ट मैचों में हार्दिक पांड्या टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे थे, लेकिन वो मैदान पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद वो लोअर बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। 2019 में उन्हें कमर की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी जिसके बाद वो काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे थे। आपको बता दें कि रवि शास्त्री को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई। इस बात की जानकारी शास्त्री ने ट्विटर के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों और हॉस्पिटल की मेडिकल टीम की सराहना की है। शास्त्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। शास्त्री ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। महामारी के खिलाफ भारत के ध्वज को सशक्त करने के लिए अद्भुत चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण में अपोलो अहमदाबाद में कांताबेन और उनकी टीम द्वारा दिखाए गए व्यावसायिकता से बेहद प्रभावित हूं। हालांकि शास्त्री के इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही फैंस भी उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए। एक फैन ने तो शास्त्री की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि भाई, कोरोना वैक्सीन ही थी ना, आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। इसके अलावा भी फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 58 साल के रवि शास्त्री ने अपनी कोचिंग में भारतीय टीम को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। शास्त्री को साल 2017 में टीम इंडिया का मुख्य कोच चुना गया था। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर लगातार 2 बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही है। रवि शास्त्री 2014 से 2016 तक टीम इंडिया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रवि शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट मैचों में 3,830 रन बनाए थे, साथ ही 151 विकेट भी लिए। दोस्तों, टेस्ट मैच में उन्होंने 11 शतक और 12 अर्धशतक लगाए। रवि शास्त्री ने 150 वनडे मैचों में 3,108 रन बनाने के साथ ही 129 विकेट लिए। उन्होंने वनडे मैचों में 4 शतक और 18 50 भी जड़ी है। दोस्तों, रवि शास्त्री की वायरल हो रही इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।